हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग समुद्र के किनारे में खड़े हैं और जो ये समुद्र है वो रामेश्वरम का समुद्र है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पानी काफ़ी लहर की तरह है और ये पानी एक साइड में आपको शांत दिखेगा और एक साइड में आपको दौड़ता हुआ पानी दिखेगा। काफ़ी तूफान होंगे इस पानी में। सो गाइज, हम लोग रामेश्वरम गए थे। सो वहाँ का आप व्यू देखिए कितना अच्छा है और हमारे बैक साइड में कितने ही जहाज हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो। आप प्लीज़ जाइए रामेश्वरम, विज़िट कीजिए। अगर आप गॉड को मानते हैं तो साथ साथ वहाँ पे शिव जी हैं और वहाँ पे शिव जी का दर्शन कीजिए। और उस जगह पे हमने 22 कुंडों में नहाया था, जो कि राम जी ने अपना धनुष से 22 कुंड का पानी से नहाकर वो शिव जी को पूजा किए थे और अपनी पत्नी को लेकर आए थे, क्योंकि उनको उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। तो इसलिए उन्होंने शिव जी का पूजा किया और उससे पहले 22 कुंड के पानी से नहाया। और जो 22वां कुंड है, उस कुंड का नाम जो है, देखिए गाइस, नाम तो मुझे नहीं याद है, बट जब कृष्ण भगवान अपने